एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शालिनी, यू आर वाचिंग ब्यूटी स्टूडियो। तो आज मैं आप लोग के साथ में मेरा रियल स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ विंटर का जो होता है। सो चले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेकअप कर रखा है, बहुत लाइट मेकअप किया है, हैवी मेकअप नहीं किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो आलमंड ऑयल लिया है, उससे मैं मेरा जो मेकअप है उसको रिमूव करूँगी। इससे क्या होता है कि अगर आपका ड्राई स्किन है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ड्राई स्किन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है विंटर में स्किन को अच्छा रखना, तो आप लोगों को अपना स्किन केयर बहुत करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने देखो ऑयल के ऊपर ही मेरा फेस वॉश लगाया। अब मैं फेस वॉश से अच्छे से अपनी स्किन को मसाज देते हुए इसको धोऊंगी। हम लोग का क्या होता है, मेरा जो स्किन एक्चुअली है विंटर में थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब होता है, लेकिन समर में या जब गर्मी के दिन होते हैं तो मेरा स्किन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्वेटिंग रहता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा यू नो हाइड्रेट रहता है उस टाइम पे। तो विंटर में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्किन केयर का। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ एम कैफिन का स्क्रब, फेस स्क्रब, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ और इसका स्मेल, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट ऑसम। तो ये मैं इस तरह से लाइक स्क्रब करते हुए लगाऊंगी और मैं वॉश कर दूँगी। यूजली मैं एवरीडे स्क्रब नहीं करती हूँ, जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ उसके बाद में मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा दिया है। आप कोई से भी एलोवेरा एक जेल लेके रख दे, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट है। और एलोवेरा जेल ऐसे ना ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, आप लेके रख दो। सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगा दूँगी और उसके बाद ये मेरा एक्चुअली रियल एवरीडे वाला है जो मैं हर रोज़ मतलब करती हूँ आफ्टर मेकअप के बाद में मेरे को फेस वॉश करना रहता है, तो ये मैं एवरीडे करती हूँ। काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो इस तरह से मैं पहले एलोवेरा लगा दूँगी अच्छे से अपने स्किन में। फिर यहाँ पे मैं ना आई क्रीम आजकल ज़्यादा लाइक प्रेफर कर रही हूँ। जिसकी हुडी आई है या आईज़ के नीचे पफिनेस आता है, तो आप एक बहुत ही अच्छा एक आई क्रीम ले लें, उसको लगाएं, या आप घर में भी चीज़ों से कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पफी आईज़ है, मेरे को कमेंट्स आते हैं कि हमारी पफी आईज़ है हम क्या करें, तो अगर आपकी पफ़ी आईज़ है तो आप लोगों को अगर आप आई क्रीम नहीं लेना चाह रहे हो तो घर पे किसी एक कपड़े के अंदर आइस डाल दें और उससे ना सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले उसका सेक लगा दें, लाइक मसाज कर दें कपड़े को डैब 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 करके, तो पफ़ी आइस काफ़ी हद तक आपकी कम होगी। और अगर आप लाइक कर सकते हो तो आई क्रीम एक ले लें, बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे डॉटन के का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है विंटर के लिए, आप मस्ट ट्राई करना। आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखेगी इससे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा ऐसे हाइड्रेट रहेगा, ऐसा खींचा खींचा सा स्किन नहीं लगता है। तो मैं ये भी लगा दूँगी और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस एक लिप बाम लगाऊँगी, बस मेरा हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।